अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास HP लेज़र जेट 2015 का लेज़र यूनिट है जी, और हम इसकी सर्विस करने लगे हैं, और साथ आपको भी बताएंगे कि इसकी सर्विस किस तरह करते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएँ। तो इस तरह का आपके पास पेचकस होना चाहिए, या आप कोई बड़ा पेज कास्ट भी ले सकते हैं, सिंगल होना चाहिए। इसको इधर से खोल लेंगे हम। ये चार लॉक होते हैं इसके, ये खुल गया जी ऊपर से। एक इसका ये होता है, इसको निकालना होता है पहले। ये इधर इसका होता है लॉक, इसको पीछे हटाया, ये अलग, ये निकल गया जी बाहर। उसके बाद ये वाला कवर इसका निकालना है, इसका ये लॉक है नीचे वाली साइड पे एक होता है, वहाँ से इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक लॉक इधर है इसका, ये वाला हो गया जी। एक इसका लॉक इस साइड पे होता है। तो ये जी खुल गया हमारा स्कैनर, ये अलग हो गया जी। ये इसको भी जिस तरह निकालना है आपने इसी तरह साइड पे रख लें, एहतियात से, शीशों की साइड चेंज नहीं होनी चाहिए। ये जो होती हैं कानों में मारने वाली तीली होती है, इसको इसका एक ये शीशा है, इसको इसके साथ साफ कर लें। उसके बाद ये है जी इसका शीशा, इसको उंगली से साफ कर लें अच्छी तरह। इसे साफ करके इसको इसकी जगह पे लगा दें। ये दूसरा शीशा हो गया जी, इसको साफ कर लें अच्छी तरह। इसके ऊपर मिट्टी वगैरह और नमी वगैरह जम जाती है, उसको साफ़ करना होता है। ये साफ़ हो गए जी हमारे शीशे। ये जो हमने कवर निकाला है इसको ऊपर लगा देंगे दोबारा वापस उसी तरह। इसे लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऊपर रखें और ऊपर से थोड़ा दबा दें, ये खुद ब खुद ही नीचे चला जाएगा। ये इसके ऊपर वाला जो कवर हमने उतारा था वो लग गया वापस। उसके बाद ये इसका छोटा लेंस है, इसको साफ़ करेंगे, इससे आप इसे साफ़ कर सकते हैं इस तरह दोनों साइडों से। और इसकी एक एहतियात लाजमी करनी है, इसको आपने जिस साइड से निकालना है ना, इसका ये ऊपर एक निशान होता है, जिस साइड से आपने उसको निकालना है उसी साइड पे इसको दोबारा वापस भी लगाना है उसी साइड पे। अगर आप नहीं लगाएंगे, अगर आपसे साइड चेंज हो जाएगी तो वो प्रिंट में मसला करने लग जाएगा, कहीं कहीं से वो मदम देगा, लाइन देना शुरू कर देगा, इस तरह का इशू कर देगा। उसके बाद ये इसकी मोटर है, इसको साथ साथ थोड़ा घुमाना है और इसके साफ़ कर लेना साइडों से, चार साइडें हैं इसकी, उसको भी साफ़ कर देना। इस तरह साफ़ करके इसको वापस बंद कर देना। ये हो गया जी हमारा लेज़र यूनिट सर्विस हो गया जी। इससे जो मसला आता है, अक्सर कार्ट्रिज में इंक भी होती है और ड्रम भी नया डल गया होता है, और उसके बाद भी वो मदम वगैरह करता है पेज को, किसी से लफ्ज़ों को मिसिंग कर देता है और वो मिसिंग वगैरह होती रहती है। तो उसका फिर इशू यही होता है कि ये जो लेंस होती हैं इन पे मिट्टी आ गई होती है, या जो सर्दियों में ना इसमें नमी वगैरह होती है वो जम जाती है। तो ये साफ़ होने से इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट 100% ओके हो जाएगा। तो अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।